नमस्कार, इंडिया पोस्ट यूपी उत्तराखंड में आपका स्वागत है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में गुंडों माफियाओं को कड़ी चेतावनी दी है। विजयदशमी के मौके पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में किसी ने गुंडई की, अत्याचार किया, गरीबों और महिलाओं को परेशान किया तो उसका भी पुतला वैसे ही जलाया जाएगा जैसे देश भर में रावण के पुतले फूके जाते हैं। देखिए और क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। एक संदेश, आज विजयादशमी है, दो कार्य हो रहे होंगे। एक तरफ भगवान राम का अभिषेक करके उनकी आरती उतारी जा रही होगी और दूसरी तरफ रावण के पुतले भी जलाए जा रहे होंगे। अगर मानवता के खिलाफ कार्य करेगा कोई, मानवता के खिलाफ कोई कार्य करेगा, गरीबों को, निरी लोगों को, महिलाओं पर अत्याचार करेगा, अधर्म के मार्ग पर चलेगा, असत्य के मार्ग पर चलेगा, तो उसका भी पुतला ऐसे ही जलाया जाएगा जैसे रावण के पुतले जलाए जाते हैं। वो कोई भी हो, वो व्यक्ति जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा किसको भी हो, उस सब के साथ यही व्यवहार होगा, इस समाज उसके साथ यही व्यवहार करेगा। और जो भी धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलेगा, मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा, विरासत और विकास की यात्रा में सहभागी बनेगा, वह राम के रूप में, माता जानकी के रूप में, वीरवर लक्ष्मण के रूप में, भक्तवत्सल हनुमान जी के रूप में उसकी पूजा ऐसे ही होती रहेगी जैसे आज हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का, माता जानकी का, लक्ष्मण जी का, हनुमान जी की आरती उतार करके उनका स्वागत कर रहे हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं, उनका अभिषेक कर रहे हैं और उनकी आरती उतार रहे हैं। जो भी मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा, उनकी रक्षा का मार्ग प्रशस्त करेगा, अपनी विरासत के संरक्षण का कार्य करेगा, उसका इसी प्रकार से अभिनंदन होगा। मानव जाति का यह दायित्व बनता है, हम मानव बनना चाहते हैं या दानव बनना चाहते हैं, मानव बनना चाहते हैं तो भगवान राम के पथ का अनुसरण करिए, छुआछूत और अस्पृश्यता से दूरी बनाइए, समाज को एकजुट करिए, संगठित रहेंगे तो सुरक्षित भी रहेंगे, देश को भी सुरक्षा प्रदान कर पाएंगे, स्वयं को भी सुरक्षा प्रदान कर पाएंगे। देखने के लिए विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वेय अशोक सिंगल जी जब देखने के लिए आए थे तो अंतिम बात उनकी यही थी, अशोक सिंगल जी से एक ही बात उन्होंने कही थी कि अशोक जी, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कब हो पाएगा, एक बार हम अपनी आंखों से देख पाते भगवान राम के मंदिर को तो हमारा जन्म धन्य हो गया होता, धन्य हो जाता। बहनों भाइयों, आज सचमुच जब अयोध्या में रामलला को विराजमान होते हुए देख रहे होंगे, पूज्य महंत वैद्यनाथ जी महाराज, पूज्य महंत परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज, वेतराग स्वामी वामदेव जी महाराज, ऐसे अनगिनत संतों की परंपरा और सर्वेय अशोक सिंगल जी जैसे महापुरुष जब देख रहे होंगे अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण और रामलला को अपनी जन्मभूमि पर 5 सदी के बाद विराजमान होते हुए उन्होंने देखा होगा, आज उनको भी तसल्ली हो रही होगी कि जो आंदोलन उन्होंने किया था वो सार्थक दिशा में आगे बढ़ा है। इसकी सार्थकता हम में है, वर्तमान पीढ़ी में है। हमारी दिशा क्या है, हम विभाजित तो नहीं है, अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए लड़ तो नहीं रहे हैं, हमारी दिशा सकारात्मक होनी चाहिए और इस सकारात्मक दिशा राष्ट्र को समर्पण की होनी चाहिए। हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ राष्ट्र के आगे आड़े नहीं आना चाहिए, हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ कभी भी, चाहे वह व्यक्ति हो, जाति हो, मत हो, संप्रदाय हो, मजहब हो, कोई क्षेत्र हो या कोई भाषा,
वह राष्ट्र से बढ़ करके नहीं हो सकता है।